हेलो गाइस, आज हम लोग मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आए हुए हैं, स्पेशली कुछ एक्सक्लूसिवली आपके लिए हम दो कैमरास लाए हैं। ये है सोनी का FX3 और ये सोनी FX6। सबसे अच्छी बात क्या है कि आज हम लोग टोटली, जैसे सोनी का 400 2.8 लेंस है जो बेसिकली हम हमेशा वाइल्ड लाइफ के लिए स्टिल्स में ये यूज़ करते हैं ऑटो फोकस के साथ, लेकिन इस सिनेमा लाइन कैमरा में दोनों में भी ये ऑटो फोकस सिस्टम बखूबी काम करता है। मोस्टली सिनेमा लाइन कैमरा में मैनुअल फोकसिंग होती है, लेकिन जितने भी सोनी के लेंसेस हैं ऑटो फोकस लेंसेस, जी सीरीज, जी मास्टर सीरीज, सारे के सारे स्टिल के लिए जितना अच्छा फोटोग्राफी करते समय आपको फोकस के लिए काम में आते हैं ऑटो फोकस के लिए, उसी तरह से यहाँ पर सिनेमा करते समय भी ऑटो फोकस करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फोकस पुलर जो हम सिनेमाटोग्राफी करते समय एक स्पेशलिस्ट लगाते हैं, तो कई बार हाई पावर लेंसेस के अंदर फोकस पुलर को भी फोकस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। कितना भी एक्सपर्ट रहो कहीं ना कहीं फोकस छूट जाता है, लेकिन इन दोनों कैमराज में ऐसी फैसिलिटी दी हुई है कि आपके हाई पावर लेंसेस के हाईएस्ट पावर पे रखकर भी आप कंटिन्यूअस फोकस कर सकते हो। आपके दिमाग को, आपके आँखों को पता चलने से पहले आपको शार्प इमेज दिखना स्टार्ट हो जाती है, भले ही सब्जेक्ट कितना भी फास्ट मूविंग रहे। तो ये खासियत है, और स्पेशली FX6 में टच स्क्रीन फोकसिंग रहने के वजह से वो आप जिस सब्जेक्ट को जहां चाहे वहां पर आप फोकस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो FX6 का मैं टच स्क्रीन फोकसिंग के बारे में बता रहा हूं। देखो, अब मैं यहां पर हॉर्नबिल के ऊपर टच कर रहा हूं तो उसने बॉक्स दिया। अब देखो, मैं कहीं पर भी जाऊँ वो बॉक्स नहीं हलेगा, उस हॉर्नबिल पे ही रहेगा, क्योंकि उसको आइडेंटिटी मिल गई और वो वहीं हॉर्नबिल को हंट करके फोकस करता रहेगा। ये एक ब्यूटी है। अगर आप किसी भी चीज़ को ये करते हो तो ये फोकस प्रॉपर करता है। शंतनु है, जैसे मैंने आपको बताया। शंतनु, आपका पहले इंट्रोडक्शन दे देना यार। माय नेम इज शंतनु कुवेस्कर और मैं यहाँ मानगांव में रहता हूँ और बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ट्रेल्स अरेंज करता हूँ, स्पेसिफिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ। तो यहाँ पर लोग जो आते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है, फोटोग्राफी होता है किस पर्पस से यहाँ जाना? बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स अलग अलग है, तो बहुत सारे लोगों का मेनली पर्पस तो फोटोग्राफी रहता है। बहुत कम लोग हैं जिनका बर्ड वॉचिंग रहता है, जो सिर्फ देखने में मजा आता है उन लोगों को। बाकी सब जो आप 90-95% बोलोगे तो फोटोग्राफिक पर्पस ही रहता है जो लोग आते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, ये 15 सालों में स्टिल फोटोग्राफी से वीडियो की तरफ जाने वाले लोगों को भी देखा क्या? या बहुत सारे लोग स्टिल्स से वीडियो की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली अभी स्टिल्स लेके थक गए लोग। सब लोग वीडियो की तरफ जा रहे हैं कि मोशन मिल जाता है आपको सब। अब मैं आपको बोलूंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन सबके स्टिल्स खत्म हो गए। अभी फ्लाइट शॉट्स भी खत्म हो गए, अभी वो सब लोग वीडियो में आ रहे हैं। क्या बात? एग्जैक्टली। अब मुझे बात बताओ कि जैसे बर्ड्स में वीडियो कैप्चर करना, वीडियो में फुटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा हैवी रहता है, हैवी होता है। तो बर्ड्स के लिए जब लोग स्टिल्स जब लेते हैं तो आप एक क्लिक करके आराम से वेट कर सकते हैं। लेकिन बर्ड का मूवमेंट कब होगा आप जज नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है क्या कि कोई फ्लाइंग शॉट लेना है या? बहुत बार सब लोगों का फ्लाइंग शॉट मिस हो जाता है। बहुत बार मिस हो जाता है, क्योंकि तब वो लोग रेडी नहीं रहते। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ में जो है वो आपको एक तो रेडी भी रहना है, मतलब ऑल द टाइम रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं रख, फाइल हैवी हो जाएगा आप जैसे बोले। तो एक्चुअली क्या है कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो FX6 कैमरा जो है सोनी का तो इसमें एक कैच रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तो आपको मैं उसके बारे में एक एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट कैच रिकॉर्डिंग इज एंड ये आपके
इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, है ना। कैच रिकॉर्डिंग में आप अगर जैसे इस कैमरा को बर्ड की तरफ मैं पॉइंट करके रखा हुआ है, अभी बर्ड अगर उड़ भी गया और वो फ्लाई का मूवमेंट मेरा मिस भी हो गया आपका, और मैंने रिकॉर्डिंग बाद में ऑन किया, तो पिछला मुझे 30 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो वो क्या है, कैच रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वहाँ रैम में कंटिन्यूअसली 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन 25 फ्रेम पर सेकंड जब अपन ले रहे हैं तब 30 सेकंड की, अगर मैं 120 फ्रेम लेता हूँ तो 9 सेकंड की रिकॉर्डिंग पिछला 9 सेकंड के पीछे मिल जाती है, इतनी ज्यादा स्पीड में भी मिल जाती है। हाँ, तो ये फैसिलिटी के साथ में मतलब सिंगल शॉट में भी शायद कैच मिल जाता होगा मुझे। इस कैमरा में मैंने जैसे बताया कि कैच रिकॉर्डिंग जो है वो फीचर है, तो मेनू में कहाँ पर जाने से कैच रिकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने मेनू क्लिक किया, उसमें प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको नीचे आते जाइए, जैसे आप नीचे आओगे तो आपको कैच रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, और एक कैच रिकॉर्डिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के बाद आपको वहाँ पर सेटिंग मिलती है, देखो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग एंड मैक्सिमम, तो ये आपको फीचर्स जो है ये मिल जाते हैं। तो आप मैक्सिमम रखते हो तो जितना भी हाईएस्ट टाइम है, 25 फ्रेम पर सेकंड रखते हो तो 31 सेकंड तक का रिकॉर्डिंग होता है, और अगर आप 120 फ्रेम पर सेकंड रखते हो तो 9 सेकंड तक का रिकॉर्डिंग मिलता है। तो ये फीचर है और आप ऐसा सेट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो हम इसका यूजेस भी कैसे हो सकता है वो भी अपन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप। अभी यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, लेकिन मैं कैमरा को ऊपर मूव करूँगा और फिर ऊपर जाने के बाद रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, तो लेट्स सी कि कैसे रिकॉर्डिंग। अभी देखो यहाँ पर बर्ड बैठा हुआ है और वहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बर्ड अभी कहीं मूव करेगा, ऐसा उसके जो भी हैबिट्स है उसके हिसाब से देखें तो। नाउ इट इज़ रेडी टू मूव, तो अपन चाहते हैं कि देखते हैं कैच रिकॉर्डिंग का फीचर देखने के लिए। चलो मैं कैमरा ऊपर ले जाता हूँ, अभी मैं कैमरा ऊपर लेके गया और अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया, ठीक है, और फिर रिकॉर्डिंग अभी भी ऑफ कर दिया। अब ऐसे में जो पहले यहाँ पर मैंने लिया था ना फ्रेम, वो भी रिकॉर्डिंग हो चुका है। अगर आपको मैं इसके प्ले में दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्ले में जाके ये वाला जो है फुटेज, इसको हम प्ले करके दिखा रहे हैं। देखो रिकॉर्डिंग हम ऊपर जाने के बाद बटन ऑन किए, लेकिन नीचे का भी रिकॉर्डिंग आया है, क्योंकि अपन ने 120 फ्रेम्स का कैच रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। देखो अभी जा रहा है कैमरा ऊपर, मतलब पहले से ही रिकॉर्डिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये होता है कैच रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट। तो ये इसके कारण इस कैमरा का अपडेट जो है यूनिक बन जाता है। तो लेट्स सी, अभी ये बर्ड का अपन कुछ मूवमेंट और कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ट्राइपॉड से निकाल लो कैमरा, निकाल लो ट्राइपॉड से कैमरा।